तो दोस्तों, मेरा नाम राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके वाटर टैंक अलार्म में प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या फिर कह सकते हैं आपकी पानी की टंकी भर जाती है और अलार्म नहीं बजता है, या फिर टंकी ओवरफ्लो होने के बाद अलार्म बजता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें अलार्म को चेक करना होता है, कहीं अलार्म ख़राब तो नहीं हो गया। इसमें लाइट तो चलती है बट यहाँ पर जो अलार्म है वो वर्क नहीं करता है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो वायर टंकी से कनेक्ट हो रखी है, टंकी की वायर से कनेक्ट हो रखी है, उन वायर को निकाल देना। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टंकी की तरफ गई हुई है, हमें क्या करना है, इन दोनों वायर को निकाल देना है। देखिए, मैंने इस टाइप से निकाल दिया है। और यहाँ पर जो आपको वाटर टैंक अलार्म के दो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आपस में टच करना है। अगर यहाँ पर दोनों टच करने के बाद अलार्म बज जाता है, इसका मतलब आपका अलार्म वो ठीक है। तो एक बार देखिए, टच करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टच किया, जो अलार्म हमारा बजने लगा, इसका मतलब जो वाटर टैंक अलार्म है वो ठीक है। हो सकता है ये वायर जो टंकी की तरफ गई है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर टैंक में जो वायर कनेक्ट है वो सही से ना लगी हो, या फिर उसमें कार्बन आ गई हो, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर टैंक अलार्म है वर्क नहीं कर रहा। जब टंकी भर जाती है तो वो अलार्म नहीं बजता है, तो उसे चेक करना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने वायर निकाला था, इसको वैसे ही हम इस पे कनेक्ट करके टेप लगा देते हैं। इसके बाद हम टंकी की तरफ चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो हमारा वाटर टैंक अलार्म था वो ठीक था, जैसे कि हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब बात करते हैं, इस टाइप से आप भी चेक कर रहे हैं और आपका वाटर टैंक अलार्म नहीं बज रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर टैंक अलार्म है ख़राब हो गया है। इसके लिए आपको नया खरीद के चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा वाटर टैंक अलार्म है ठीक है, आप टंकी की तरफ चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पर इसकी वायर आई हुई है टंकी के अंदर, और यहाँ पर आपको अंदर वायर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर वायर इस टाइप से लगी हुई है। पानी की वजह से क्या होता है, जो ये वायर होती है वो ख़राब हो जाती है और इसमें कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखी वायर को टच किया, यहाँ पर क्या है, ये वायर इसमें टूट के निकल गई। इसका मतलब यहाँ पर जो वायर है इसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो वाटर टैंक अलार्म वर्क नहीं कर रहा है। किसी किसी वाटर टैंक में क्या होता है, एक जो वायर होती है दोनों में से वो पानी में डूबी रहती है नीचे की तरफ, और जो दूसरी वायर होती है वो टैंक में ऊपर की तरफ होती है। तो क्या कनेक्शन कैसा भी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो वायर इसमें लगी हुई है वो ख़राब तो नहीं हो गई है। और इसमें ये चेक कर लेना कितना पार्ट वायर का ख़राब हो गया, उसे हमें काट के निकाल देना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने इस वायर को इस टाइप से निकाल दिया, और दूसरे वाले वायर को भी मैं यहाँ से काटता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वायर को काट दिया, और यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि यहाँ पर वायर जो हम काट रहे हैं उसमें क्या नाम है, कार्बन तो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो वाटर टैंक अलार्म वर्क ना कर। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको इस वायर में कार्बन दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर आपकी टैंक में वायर छोटी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी वायर को भी यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वायर एक्स्ट्रा है तो मैं और खींच लेता हूँ। तो और जितना पार्ट यहाँ पर वायर का ख़राब है उसको हम काट के निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने काट के निकाल दिया, और अब वायर को छील के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने वायर को छीला, यहाँ पर जो वायर है सही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमारी जो वायर थी जो ख़राब थी, जो मैंने यहाँ से काट के निकाल दी। और इस वायर में हम कुछ भी कील या स्क्रू या कुछ भी लगा सकते हैं, जिसके इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ ना लटके। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वायर को छील लिया है। और आपको इसमें अगर आपको वाटर टैंक अलार्म को चेक करना है तो आप इन दोनों वायर को एक साथ टच करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को टच करते हैं और आपका वाटर टैंक अलार्म बजने लग जाता है तो आपको पता चल जाएगा आपका जो वाटर टैंक अलार्म वर्क कर रहा है। तो चलिए, इस पे कुछ एक स्क्रू टाइप का लगा देते हैं ताकि यहाँ पर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ हो और ये वायर ऊपर की तरफ ना लटके। देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया, और दूसरी जो वायर है उसमें भी इस टाइप से लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक और स्क्रू को ले लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर इसके साथ इस वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कनेक्ट कर दिया, और इस टाइप से अगर आप करना चाहते कर सकते। कई लोग कनेक्शन करते समय एक वायर को टैंक में नीचे की तरफ डाल देते हैं और दूसरी वायर को ऊपर रखते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसमें एक गांठ लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर दोनों वायर एक दूसरे से टच ना हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस टाइप से लगा देता हूँ, और अगर आप इस टाइप से करना चाहते हो इस टाइप से भी कर सकते हैं। बस ध्यान देना है यहाँ पर ये ऐसे एक दूसरे से टच ना हो। अब इस वायर में एक टेप लगा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर मैं इस पाइप में इसे लगा सकूँ। आपको जो इसका लेवल करना है वो इस हिसाब से करना है कि यहाँ पर टैंक ओवरफ्लो होने से पहले अलार्म बज जाए। तो चलिए, मोटर चलवा के यहाँ पर पानी भर लेते हैं, तो और इसे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर मोटर चल गई और यहाँ पर पानी भरने लगा है, और हम नीचे की तरफ चलते हैं यहाँ पर जहाँ पर अलार्म लगा हुआ है हमारा, और चेक करेंगे अलार्म कब बजता है। तो यहाँ पर कुछ देर का वेट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जो मेरा टैंक था वो यहाँ पर फुल भरा हुआ था, बस थोड़ा सा पानी कम था। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि यहाँ पर अलार्म जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अलार्म बजने लगा, इसका मतलब टंकी में पानी भर गया और हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई। तो इस टाइप से आप भी दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसे कनेक्शन करने प्रॉब्लम आ रही है या फिर वाटर टैंक अलार्म को चेक करने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना,
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।